Assalamualaikum students, I am Saiman Ashula, your maths teacher. Today we will start our topic that is HCF and LCM. We have learned about it in previous class. First, HCF, highest common factor. What is HCF? The highest common factor of two or more whole number is the largest whole number which divides each of them exactly. मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा वो नंबर जो उन तमाम नंबर्स पर आसानी के साथ डिवाइड हो जाए उसे एच सी एफ कहते हैं. वी विल मूव टू इट्स एग्जाम्पल. लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल डैट इज़ एच सी एफ ऑफ 18 and 48. स्टूडेंट्स, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी आती है. हम यहाँ पर 18 की और 48 की हम प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, देन इनमें से कॉमन नंबर्स को चूज़ करेंगे और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो कॉमन नंबर आएंगे उन्हें मल्टीप्लाई करके हमारे पास एच सी एफ आ जाएगा. नेक्स्ट वी विल टेक 3 नंबर्स एच सी एफ सेम, उसमें भी हमने 60, 180, 68 और 130 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. उसके बाद उनके कॉमन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एच सी एफ फाइंड आउट हो जाएगा. ओके, इन दिस वे यू विल फाइंड एच सी एफ. नेक्स्ट टॉपिक इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल एल सी एम. द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू एंड मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर डैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स. मीन्स के दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को जो सबसे छोटा नंबर जो है वो डिवाइड करे वो एल सी एम है. ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड्स टू फाइंड आउट एल सी एम. वी विल डू हेयर द डिवीजन मैथड. लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल 20, 25 and 30. हमने इनको भी 2 के साथ ही डिवाइड करना है, सेम वैसे ही करना है जैसे प्राइम नंबर्स है. बट इन दिस क्वेश्चन वी विल डू फर्स्ट डैट नंबर डैट इज़ एग्जैक्टली डिवाइड बाई. ओके स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें जो है मैं आपको रिकॉल करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें ही मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है या डिवाइड करना है तो आपने एक बात याद रखनी है कि हमेशा इस साइड पे प्राइम नंबर्स चूज़ करने. कभी भी कंपोजिट नंबर्स जो है वो हम चूज़ नहीं करेंगे. इन चूज़ करने की सूरत में क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, एलसीएम में एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है हमेशा कि जब आपने डिवाइड करना है, मीन्स कि आपने देखा ये सारे इवन नंबर हैं तो इसका मतलब है वो 2 पे डिवाइड होगा. ठीक है, तो हमने उसको 2 पे डिवाइड कर दिया. हमने वो डिजिट चूज़ करना है जो सबके साथ मोस्ट ऑफ द नंबर्स के साथ डिवाइड हो जाए. ठीक है, देन फिर अगेन आपने देखना है. नाउ लुक एट हेयर 8, 12 और 18. ये 3 नंबर जो हैं वो इवन नंबर है और 1 नंबर इज़ ऑड नंबर. सो हम लोग पहले इवन नंबर के साथ सॉल्व करेंगे और हमेशा स्मॉलेस्ट डिजिट के साथ ही स्टार्ट करते हैं, देन फर्दर इसको लार्जेस्ट अमाउंट के साथ डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं अगेन. उसके बाद एलसीएम में क्या होता है, तमाम नंबर्स जिनको हमने डिवाइड कर दिया है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो आ जाता है. ठीक है, और एचसीएफ में क्या होता है कि सिर्फ कॉमन नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. ओके स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था एचसीएफ एंड एलसीएम. होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.